बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको लेके आया हूँ बहरिया टाउन फेज़ 8, जहाँ पे हम मौजूद हैं ओवरसीज सेक्टर 5 में। घर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन हुआ है, 10 मरला ब्रांड न्यू हाउस, डिज़ाइनर हाउस जो कि अवेलेबल है मार्केट में सेल के लिए। मेरे देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो काइंडली आप एंड तक लाजमी देखिएगा। इस घर की जो प्राइस, इस घर के इंटीरियर डिज़ाइंस और मोस्टली जो फर्दर फीचर्स हैं इस डिज़ाइनर हाउस के, वो मैं इसी वीडियो के दौरान ही शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं इस घर का स्ट्रीट ओवरव्यू। 10 मरला ये ब्रांड न्यू हाउस है जो कि अवेलेबल है ओवरसीज सेक्टर 5 बैरियर टाउन फेज 8 में। इस घर की जो डायमेंशन है वो 3570 है, 35x70 जो है वो इस घर की डायमेंशन बन रही है। फ्रंट एलिवेशन से आप इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर अंदर और बाहर से कितना प्यारा डिज़ाइन हुआ है। ये इसका जी ग्रीन एरिया है, पानी बिजली गैस के तमाम कनेक्शन जो हैं वो इस घर में मौजूद हैं। किसी किस्म का जो है वो यहाँ पर बैरियर टाउन फेज़ 8 में किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। कार रैंप आप देख सकते हैं जिस पे टफ टाइल का इस्तेमाल हुआ हुआ है। मेन गेट, जी मेन डोर आप देख सकते हैं। पोर्च में एंटर होते हैं तो पोर्च आप देख सकते हैं, फ्लोरिंग नीचे जो है वो मार्बल की हुई हुई है। इस साइड पे अगर हम देखें तो इस साइड पे भी ग्रीन एरिया डिज़ाइन किया हुआ है। शाम के या मॉर्निंग टाइम जो है ना, आप यहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर आपको मैं सीलिंग डिज़ाइन इसका चेक करवा दूँ, इस घर का, इस पोर्च का। जी व्यूअर्स, ये हो गया व्यूअर्स इसका पोर्च का एरिया। टू साइड गैलरी होती है 10 मरला हाउस की, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, इसकी फ्लोरिंग जो है वो टाइल की हुई हुई है। गीज़र इसमें इंस्टॉल्ड है जी। स्टेयर्स जो है ये ऊपर टॉप ममटी को जा रही हैं। वापस आ चुके हैं व्यूज पोर्च में, और एक्सेस की अगर हम बात करें तो मेन डोर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, एक ही एंट्रेंस है। डोर डिज़ाइन मैं आपको इसका चेक करवा देता हूँ जी व्यूअर्स। ये हो गया मेन डोर एंट्रेंस। फ्लोर प्लान आप ज़रा समझ लें, सामने आप देख सकते हैं ये ड्राइंग रूम है, लेफ्ट साइड पे जो है वो इसका पाउडर रूम आ गया। सामने आप देखेंगे टीवी लॉन्च, और ये स्टेयर्स जो है वो अपर पोर्शन को जा रही हैं। डबल यूनिट ये हाउस है, इसकी जो है वो इसका डोर जो है वो गैलरी साइड पे भी है। सेपरेट करके आप जो है वो इस घर को डबल यूनिट बना सकते हैं। पहले हम मूव होंगे पाउडर रूम में। इस घर में जो वॉशरूम की एसेसरीज जो यूज़ की गई हैं वो कंप्लीट जो है वो इम्पोर्टेड एसेसरीज हैं। वुड का जो काम हुआ हुआ है कम्प्लीट इम्पोर्टेड वुड इसमें यूज़ हुई हुई है। पाउडर रूम हो गया इसका। ये सामने आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम की एंट्रेंस। ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो सामने आप देख सकते हैं माशाल्लाह से वॉल डिज़ाइन हुई हुई है, वॉलपेपर प्लस ग्लोब के साथ। ऊपर आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देखेंगे, और इस साइड पे जो है वो विंडो। नीचे जो है वो फ्लोरिंग कंप्लीट टाइल की हुई हुई है। घर का विजिट जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा। वीडियो जो है वो लेंथी होने की सूरत में मैं आपसे एडवांस में जो है वो माजत खा हूँ। सामने आप देख सकते हैं वुड की हाफ पार्टीशन की गई है लाउंज के साथ, और ये आप डोर डिज़ाइन देखेंगे जो कि एंट्रेंस है ड्राइंग रूम की। वापस मैं बाहर चलूँगा, और ये आप देख सकते हैं मेन डोर से जब हम एंटर होते हैं तो वुड की वुड जो है वो डिज़ाइन की गई है, वॉल वुड के साथ डिज़ाइन की गई है। और ये देख सकते हैं आप इसका लाउंज का एरिया। सामने आप देख सकते हैं वॉल डिज़ाइन, मीडिया वॉल, और ऊपर आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देखेंगे फानूस के साथ। वीडियो में किसी किस्म की आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, सजेशन अपनी देना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप फर्दर बता सकते हैं किस तरह या किस किस एरिया के आप मज़ीद घर देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। हमारी टीम की जो है वो पूरी कोशिश होगी आपको जो है वो बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन आपको जो है वो इस चैनल पर दिखाए जाएँ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर ब्रांड न्यू डिज़ाइनर हाउस की वीडियो जो है वो आपको टाइमली जो है मिलती रहे। मीडिया वॉल आप देख सकते हैं यूवी शीट से डिज़ाइन करता है, और बैक पे जो है वो इसके लाइट्स डिज़ाइन की गई हैं।
जी व्यूअर्स, ये हो गया इसका लाउंज का एरिया। किचन में एंट्रेंस आप देख सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन आप ऊपर देख सकते हैं, माशाल्लाह से खूबसूरत। ये जी रास्ता एग्जिट हो रहा है गैलरी साइड पे, जो ऑलरेडी मैं आपको विजिट करवा चुका हूँ। यूवी शीट का इस्तेमाल कबर्ड्स के लिए। बर्नर, और बर्नर के साथ जो है वो ऊपर इसका फ्लोर। जी व्यूअर्स, ये हो गया इस घर का ग्राउंड फ्लोर का जो है वो ओपन किचन। और अब हम मूव होते हैं बेडरूम्स की तरफ। ये इसका बेडरूम फर्स्ट है और ये साथ में जो है वो इसका बेडरूम सेकंड। फर्स्ट की तरफ मूव होते हैं तो सामने आप देख सकते हैं विंडो है वेंटिलेशन के लिए। इस साइड पे जो है वो वॉल डिज़ाइन हुई है वॉलपेपर के साथ। ऊपर जो है वो ग्लोब लगाया गया। ऊपर आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देखेंगे और साथ में जो है वो इस बेडरूम की कबर्ड्स। अटैच वॉशरूम, सेपरेट से जो है वो इसका शॉवर एरिया है। जी व्यूअर्स, यह हो गया इसका किचन, सॉरी अटैच वॉशरूम इस बेडरूम का। और साथ में हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। डोर डिजाइन सेकंड बेडरूम का। इसके सामने जो है वो इसकी कबर्ड्स। सामने विंडो वेंटिलेशन के लिए और सामने जो है इसका अटैच वॉशरूम। ऊपर आप देखेंगे सीलिंग डिजाइन और साथ में जो है वो अलहदा से इसका शॉवर एरिया। जी व्यूअर्स, ये हो गया इसका अटैच वॉशरूम बेडरूम सेकंड का। ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो टू बेडरूम की अकोमोडेशन है। वापस आ चुके हैं हम बाहर और अब हम चलेंगे अपर पोर्शन के लिए। अपर पोर्शन का मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बायर इस घर को बाय करने के बाद घर को डबल यूनिट कम्प्लीट बनाना चाहता है तो यहाँ से आप ग्लास प्लस वुड की पार्टीशन करेंगे और ये जो एरिया है अपर पोर्शन का ये मुकम्मल सेपरेट हो जाएगा। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये डोर है जो कि एग्जिट हो रहा है बाहर गैलरी की तरफ। ठीक है, वापस चलेंगे आप हम अपर पोर्शन के लिए। फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं मार्बल का इस्तेमाल है और ग्रिल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे स्टेनलेस स्टील की हैं। जी व्यूअर्स, ऊपर आते ही आप फ्लोर प्लान इसका समझ लें। ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स जो है वो अपर पोर्शन को जा रही हैं, टॉप ममटी को। ऑलमोस्ट जो है वो फ्लोर प्लान सेम है ग्राउंड फ्लोर की तरह। हम पहले मूव हो चुके हैं। ये इसका जो है वो ड्राइंग रूम का एरिया, सॉरी ये जो है वो ऊपर जो है वो ड्राइंग रूम नहीं है, बेडरूम डिजाइन किया हुआ है। अपर पोर्शन पे जो है वो
थ्री बेडरूम की अकोमोडेशन जो है वो डिज़ाइन की गई है, क्योंकि कबर्ड्स हैं इसके साथ। तो पहले हम चलते हैं बाहर टेरेस की तरफ। स्ट्रीट ओवरव्यू, सामने आप देख सकते हैं वॉलपेपर डिज़ाइन हुआ है और ऊपर जो है वो इसका सीलिंग डिज़ाइन। व्यूअर्स, आप इसे जो है वो बेडरूम भी बना सकते हैं क्योंकि कबर्ड्स इसमें मौजूद हैं और जो वॉशरूम है अटैच वॉशरूम वो भी इसके साथ मौजूद है। अगर आप इसे ओपन रखेंगे तो इसे आप ड्राइंग रूम के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसे क्लोज कर देंगे ग्लास के साथ या वुड के साथ तो ये मुकम्मल बेडरूम कंसिडर किया जाएगा। ये आपको मैं लिए चलता हूँ इस जो बेडरूम है इसकी कबर्ड्स आप देख लें, और साथ में जो है वो इसका अटैच वॉशरूम। यूर्स, घर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हुआ है और इसकी जो डिमांड है वो 2,90,00,000 है, 290,00,000 जो है वो इसका की आस्किंग प्राइस है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है ओवरसी सेक्टर 5 में। प्राइसेस अगर आप कंपेयर करें दूसरे ब्लॉक्स या दूसरे सेक्टर्स के साथ तो इस घर की जो प्राइस है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। घर जो है वो डिज़ाइनर हाउस आप देख सकते हैं। वापस आ चुके हैं बाहर हम अब बेडरूम से, और ये लाउंज का एरिया आप देख सकते हैं सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह डिज़ाइन हुआ है। ऊपर आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं फानूस के साथ, सामने वॉल भी डिज़ाइन करता है और उसके बाद जो है वो मीडिया वॉल भी आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन हुई है यूवी शीट के साथ। टू बेडरूम्स हैं आप देख सकते हैं और साथ में जो है वो इसका ओपन किचन। पहले हम किचन की तरफ मूव होते हैं। ऊपर आप देखेंगे इसका सीलिंग डिजाइन फानूस के साथ। जी फर्स्ट ये हो गया इसका ओपन किचन, सामने जो है वो इसका बेडरूम सेकंड। सीलिंग डिज़ाइन जीवर्स, मैंने आपको इसकी प्राइस बताई 2,90,00,000 जो है वो इस घर की आस्किंग प्राइस है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो सेल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। ये इसका जो है वो सेपरेटली शॉवर एरिया। इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूं लास्ट और थर्ड बेडरूम की तरफ। नीचे जो है वो फ्लोरिंग टाइल की हुई हुई है और ऊपर आप देख सकते हैं इसका सीलिंग डिज़ाइन। और ये इसका जो है वो अटैच वॉशरूम। शॉवर एरिया के सामने जो है वो इसकी वेंटी है।
जी व्यूअर्स, इसी के साथ जो है फर्स्ट फ्लोर उसका विजिट कंप्लीट होता है 3 बेडरूम के अकोमोडेशन के साथ। मैं आपको लेके चलता हूँ अब इसके जो है वो टॉप मंटी की तरफ। स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं मार्बल का इस्तेमाल है और ग्रिल जो है वो स्टेनलेस स्टील की हैं। मंटी के लिए स्टेयर्स बैक साइड से भी मौजूद हैं, मेटल की राउंड शेप में डिज़ाइन की हुई है। अगर आप सर्वेंट को बाहर से एक्सेस देना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ऊपर आप देख सकते हैं फ्लोरिंग जो है वो चिप्स की हुई है, मुकम्मल पॉलिश हुआ है और टैंकी इसकी कंक्रीट की है। ये आप देख सकते हैं सर्वेंट क्वार्टर, साथ में जो है वो अटैच वॉशरूम है। मैं आपको बैक साइड का एरिया चेक करवा देता हूँ इस घर के। बहरिया टाउन फेज 8 की जो एक्सप्रेस हाईवे है वो बैक साइड पे अवेलेबल है इस घर के, और सामने फ्रंट से मैं आपको छत से ओवरव्यू चेक करवा देता हूँ। जी व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। इस घर की प्राइस मैंने आपको बताई 2,90,00,000 इस घर की जो है वो आस्किंग प्राइस है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए सेल नंबर जो है वो जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।